निसंदेह मॉरिशस लघु भारत का दर्जा रखता है, ये झलकता है हमारे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों की बदौलत। ऐसे रिश्ते जिनकी बुनियादों की घनिष्ठता ने मॉरिशस को भारत का मजबूत साझेदार बनाया है, जिससे कि दोनों देश विशेष अधिकारों को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। भारत की उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला वाकुआ के जिमखाना क्लब में इंटरनेशनल इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन के समारोह की मुख्य अतिथि रही। संगठन ने मॉरिशस में उनके कार्यकाल के लिए उनका स्वागत किया। मंदाशा गढ़ू, याचना मिश्रा। खुशहाल माहौल में इंटरनेशनल इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने वाकुआ के जिमखाना क्लब में मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला का स्वागत किया। मकसद उनके स्वागत के साथ साथ उनकी पहचान इस संगठन से कराना। इंटरनेशनल इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन 30 सालों से कार्यरत है, जिससे मॉरिशस की करीब 30 भारतीय महिलाएं जुड़ी हुई हैं। डॉटर्स ऑफ इंडिया, सब हम भारत की बेटियां हैं यहाँ पर, जो मॉरिशस सोसाइटी को सर्व कर रही हैं। एक कॉन्टिनेंट से आकर के एक आइलैंड में, एक टापू पे, जो कि कुछ साल पहले एक डॉट था सिर्फ वर्ल्ड मैप पे, आज रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। आज की ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सोशलाइज करेंगे हाई कमीशन से, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उनसे। हमने जो भी एक्टिविटीज करी है पिछले 5 सालों में और 30 सालों से जो हम करते आ रहे हैं मॉरिशस में, वो आज उनको बताने का समय है। भारत की बेटियाँ अपने आप में वो भारत जिंदा रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम एकत्र होके हर बार सारे महोत्सव ये सब किया करते हैं मिलके। हम बहुत सारा चैरिटी करें जो हम करते आ रहे हैं हर बार से, जिन जिन को जरूरत हो, जब भी भारत में भी कुछ ऐसा आके बनता है हमारा दिल उठता है और हम उनके लिए ये सब ब्रिंग एंड बाय, ब्रिंग एंड शेयर किया करते हैं। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि उन्हें गर्व है कि ये महिलाएं भारतीय संस्कार को मन में बसाए हुए मॉरिशन समाज में अपना योगदान दे रही हैं। मुझे आज खास खुशी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने भारतीय मूल्य महिलाओं के साथ हूँ, जो मेरी बहनें हैं, और मुझे लगता है कि एक तरह से वो भारत के अम्बेसडर्स हैं वो भी, क्योंकि भारतीय मूल्यों को वो यहाँ पे रहकर मॉरिशस को अपनाकर, अपने देश की तरह अपनाकर भारतीय मूल्यों को यहाँ पे प्रसार कर रहे हैं, और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब ऐसे मौके मिलते हैं, जब हम आते हैं और भारतीय लेडीज़ को देखते हैं जो अपनी भारतीयता को कायम रखते हुए इस देश के नागरिक बने हैं, इस देश के भाग बने हैं। इस अवसर पर श्रीमती नंदिनी सिंगला ने IIWA को आमंत्रित किया ताकि ये संगठन देश की संस्थाओं के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव नामक भारतीय अभियान को आने वाले 2 सालों में सफल बना पाए।